Assalamu alaikum friends, this is engineer Noman Kambo. I am telling you most important one-liner question of Pakistan study. These are all one-liner questions repeated in all competitive exams of PPSC, CSS, SPSC and all other competitive exams. तो प्लीज़ वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरा चैनल इंजीनियर नोमान कंबो इसे ऑफिशियली इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो कंप्लीट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर वन, कायद आज़म सेंट 600 सोल्जर टू मुस्लिम कंट्री टू फाइट फॉर हर फ्रीडम। तो किस मुस्लिम कंट्री के लिए कायद आज़म ने 600 स्पाई भेजे थे उनकी आज़ादी के लिए? तो इस पर एक बुक भी लिखी जा चुकी है जिसका नाम है 600 ब्रेव पाकिस्तानी सोल्जर दे फोर्ट फॉर इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 600 स्पाई भेजे थे उनकी आज़ादी के लिए लड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मुहतसब का जो दारा है वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो ये प्रेजिडेंशियल आर्डर 1983 में ये बना था जनरल ज़ियाउल हक के दौर में। क्वेश्चन नंबर थ्री, एट द नेम समिट इन डरबन 1998 विच इशू वाज डिस्कस्ड कंसर्निंग पाकिस्तान। तो नेम में 1998 में जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है इसके अंदर कश्मीर इशू को डिस्कस किया गया था, कश्मीर प्रॉब्लम को। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास, द इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म इन 1946, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर। जो 1946 में इंटरिम एक हुकूमत बनी थी पूरे इंडिया की, तो उसका जो प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था? तो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे एंड सर्व एज अ डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर। ये एज ए डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे थे लेकिन पूरे कंप्लीट प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर फाइव हमारे पास, द किस्सा सोनी महिवाल वाज रिटन बाय। किस्सा सोनी महिवाल जो किसने लिखा था? तो ये लिखा था फजल शाह ने, पीर वारिस शाह ने लिखा था हीर रांझा और किस्सा सोनी महिवाल वाज रिटन बाय फजल शाह। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे पास, दी एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन वाज साइंड ड्यूरिंग टर्किश प्रेसिडेंट कैनन एवरनोस विजिट टू पाकिस्तान इन फरवरी 1980 इन द फील्ड ऑफ। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर साइन हुआ था टर्किश प्रेसिडेंट के साथ पाकिस्तान का। क्वेश्चन नंबर सेवन है, द कंसेप्ट ऑफ एक्टिंग इन एड सिविल पावर बाय आर्म फोर्सेस हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 245। क्वेश्चन नंबर एट है हमारे पास, इंडिया रिकग्नाइज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। तो इंडिया ने बांग्लादेश को 16 दिसंबर 1970 को रिकग्नाइज कर लिया था क्योंकि इन्होंने तो बांग्लादेश पाकिस्तान को अलहदा किया था बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारे पास, हु हैज द शॉर्टेस्ट टेन्योर गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो गवर्नर जनरल के अहदे पर सबसे छोटा जो टेन्योर था वो सिकंदर मिर्ज़ा का था क्योंकि इन्होंने 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर जनरल का अहदा खत्म करके सदर के बराबर कर दिया था और पाकिस्तान के पहले सदर बन गए थे। क्वेश्चन नंबर टेन है हमारे पास, What was the main difficulty which delayed the constitution making in Pakistan? तो पाकिस्तान का जो constitution था वो delay क्यों हो रहा था? 1947 में पाकिस्तान बन चुका था लेकिन पहला constitution पाकिस्तान 1956 को बनाया था, उससे पहले 1935 का जो act था वो ही चलाया रहे थे थोड़े बहुत ही उसके अंदर amendments करके। तो इसका answer है the distribution of power between federal and provincial government, इस वजह से ये delay हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन 1973 इज गवर्नर रूल इम्पोज्ड इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द प्रोविंस। किस हालत में गवर्नर रूल लग सकता है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक? आइन के मुताबिक 2434 है शिक 1973 के आइन के तहत, अगर प्रोविंशियल मशीनरी कॉन्स्टिट्यूशन काम ना करे तो फिर गवर्नर राज लग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इफ देयर वाज 100 गांधीज एंड 200 अबुल कलाम आजाद
विद द मुस्लिम लीग बट ओनली वन मोहम्मद जिन्ना विद द कांग्रेस सो दैट इंडिया वुड हैव नेवर बीन डिवाइडेड हु सेड दिस। ये अल्फाज किसने कहे थे कि अगर 100 गांधी होता और 200 अबुल कलाम आजाद होते मुस्लिम लीग के पास, तो लेकिन सिर्फ एक मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के पास होता तो कभी भी इंडिया ना टूटता और पाकिस्तान ना बनता। ये लक्ष्मी पंडित जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 13 है, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन पाकिस्तान वाज लेड बिटवीन। तो ये पाकिस्तान की पहले रेलवे लाइन जो अंग्रेज ने बिछाई थी वो कराची और कोटरी के दरमियान थी। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द फेडरल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश थर्ड कोल अथॉरिटी इन विच ईयर। तो ये 2008 में थर्ड कोल अथॉरिटी बनाई गई थी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द बुक इंडियन मुसलमान पब्लिश इन 1871 वाज रिटन बाय। तो ये विलियम विल्सन हंटर ने लिखी थी बुक इंडियन मुसलमान, 1871 में ये पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च टू रिवर्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो बंगाल की पार्टीशन हुई थी 1906 में, तो ये मुसलमानों के हक में बहुत बेहतर थी क्योंकि हिंदू मुसलमानों पर ज्यादती करते थे, उनकी तादाद ज्यादा थी, तो जो मशरकी बंगाल था वो उसमें तादाद मुसलमानों की ज्यादा थी। तो स्वदेशी मूवमेंट हिंदुओं ने स्टार्ट कर दी कि बंगाल के पार्टीशन को नल किया जाए, इसे खत्म किया जाए और दोबारा हिंदुओं के नीचे मुसलमानों को लाया जाए, तो वो भी लाकर 1911 में कामयाबी हो गए थे हिंदू। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, थी फर्स्ट पेपर टू यूज का टाइटल कायदेजम। पहले कायदेजम का जो टाइटल था कब किस पेपर में पब्लिश हुआ था, तो वो डॉन डेली में पहली दफा ये पब्लिश हुआ था कायदेजम का लफ्ज। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द नींबू बजगो पावर प्रोजेक्ट इज द रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट ऑन द रिवर सिचुएटेड एट अलाची विलेज 75 किलोमीटर फ्रॉम ले इन द इंडियन जम्मू कश्मीर। तो ये इंडस दरिया जो है उसके ऊपर बनाई गई थी नीमो बाजगो पावर प्रोजेक्ट इंडस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, विच पर्सन रिमेन्ड चेयरमैन वाबडा, चेयरमैन सिंध, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इतने ओहदों पे कौन सी शख्सियत रही थी, चेयरमैन वाबडा भी रही थी, चेयरमैन सिंध भी रही थी, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी रही थी, तो ये गुलाम इसहाक खान थे, पाकिस्तान के सदर भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, विच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डेड इन ऑफिस 9 डे आफ्टर टेकिंग ओथ। तो कौन सा चीफ जस्टिस जो था सिर्फ 9 दिन के लिए जज रहा था, उसके बाद ऑफिस के अंदर ही अपनी ड्यूटी के दौरान ही वफात पा गए थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन, सबसे छोटा पीरियड था इनका जज का। क्वेश्चन नंबर है 21 हमारे पास, डैश वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ कायजाजम, कायजाजम की पहली बीवी का नाम क्या था, तो इनका नाम एमी बाई था। क्वेश्चन नंबर 22, कायजाजम फर्स्ट वाइफ डेड, तो कायजाजम की पहली बीवी ने 1893 में वफात पाई, 1893 में। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, मदर टंग ऑफ कायजाजम, तो कायजाजम की जो मादरी जुबान थी वो गुजराती थी। क्वेश्चन नंबर 24, When Balochistan state become part of West Pakistan, तो बलूचिस्तान कब मगरबी पाकिस्तान का हिस्सा बना, 14 अक्टूबर 1955 को बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना था मुकम्मल तौर पे। क्वेश्चन नंबर 25, मदर ऑफ दीना वादिया, तो कायजाजम की बेटी थी ये दीना वादिया, तो इनकी माँ का नाम रतन बाई था, ये कायजाजम की दूसरी बीवी थी रतन बाई। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, स्वात वैली इज सिचुएटेड इन द माउंटेन रेंज ऑफ हिंदुकश, तो हिंदुकश के रेंज में स्वात वैली आती है। क्वेश्चन नंबर 27, हु सपोर्टेड पान इस्लामिज्म इन सब कॉन्टिनेंट, तो पान इस्लामिज्म एक तहरीक थी, तो इस सब कॉन्टिनेंट बरसगीर में इसको किसने सपोर्ट किया, तो सर सैयद अहमद खान ने इसे सपोर्ट किया था पान इस्लामिज्म को।
क्वेश्चन नंबर 28 है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2015 रिपोर्ट, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ पाकिस्तानी। तो जो 2015 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट की, तो उसके मुताबिक पाकिस्तानी एवरेज एज 66 साल है, 66.4 ईयर। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, हु वाज द सीएम ऑफ बलूचिस्तान हैविंग शॉर्टेस्ट टाइम इन ऑफिस। तो बलूचिस्तान का सबसे कम देर रहने वाला जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, उसका नाम जुल्फकार मजदी है। क्वेश्चन नंबर 30, नेम द पावरफुल कंट्री विच ऑफर्ड हेल्प टू पाकिस्तान आर्मी बिफोर सरेंडरिंग इन ढाका ड्यूरिंग 1971 वार। तो ये अमेरिका ने पाकिस्तान को ऑफर कराई थी, हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन वो हेल्प के लिए नहीं पहुंच सके थे जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 31, दी फैज महल इज लोकेटेड इन, तो फैज महल खैरपुर में वाकई है। क्वेश्चन नंबर 32, दी सिंध असेंबली वाज फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन लेजिस्लेटर टू पास रेजोल्यूशन इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, हु मूव द रेजोल्यूशन। तो इस रेजोल्यूशन को जी एम सैयद ने मूव किया। क्वेश्चन नंबर 33, सिंध हैरी कमेटी वाज फाउंडेड इन 1930 बाय, क्वेश्चन इज इसका आंसर है 33 का, जी एम सैयद। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, दी नूर महल इज लोकेटेड इन, तो नूर महल बहुत मशहूर महल है, ये भावलपुर का में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज रेनियस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बारिशी एरिया वो मरी में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, सिंधु मोहिंजे शाह में, तो फेमस बुक ऑफ सिंधी लिटरेचर वाज रिटन बाय, तो ये अमर जलील ने ये बुक लिखी थी सिंधु मोहिंजे शाह में। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधी साइटेशन रिटन एंड कॉलमनिस्ट काजी अब्दुल जलील, पॉपुलरली नोन एज अमर जलील, वाज बोर्न इन, तो ये रोड़ी में पैदा हुए थे काजी अब्दुल जलील, जिनको अमर जलील भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, सिंध वाज कॉन्क्वर्ड बाय मोहम्मद बिन कासम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो ये मैया खिलाफत में सिंध को फतह किया गया था, मोहम्मद बिन कासम ने किया था, जो कि हजाज बिन यूसुफ के भतीजे भी थे और दामाद भी। क्वेश्चन नंबर 39, उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ शाह लतीफ जो रसालो वाज मेड बाय, तो शाह जो रसालो इसको जो ट्रांसलेट किया गया उर्दू में, तो शेख अयाज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, डॉक्टर रुथ फाउ आल्सो नोन एज मदर थ्रीसा ऑफ पाकिस्तान डेड इन 11 अगस्त 2017, 11 अगस्त 2017 को ये फोत हुई थी डॉक्टर रुथ फाउ। क्वेश्चन नंबर 41 है, अयूब लैंड रिफॉर्म्स हाउ मैनी एकड़ ऑफ इरीगेटेड लैंड कैन हैव, तो अयूब रिफॉर्म में 500 एकड़ रिफॉर्म ये जमीन थी एक बंदे के पास होनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 42, पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स 70 ईयर हिस्ट्री अपॉइंटेड ए फीमेल डिप्लोमेट इन सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में 70 साल में पहली दफ़ा औरत एक औरत को डिप्लोमेट के तौर पर सऊदी अरब में भेजा, तो उसका नाम फौजिया फयाज अहमद था। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, द हाईएस्ट सिविल अवार्ड इज, तो पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो है वो निशान पाकिस्तान है, और फौजी सिविल निशान जो है वो सबसे हाईएस्ट वो निशान हैदर है। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नादरा, तो नादरा का पूरा नाम क्या है, तो नादरा का पूरा नाम नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द कराकोरम एंड सेकंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड नॉन पोलर एरिया, सियाचिन जो है ये लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है कराकोरम का, तो सेकंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है, दुनिया के लिहाज से दूसरे नंबर पे है सियाचिन, पाकिस्तान के लिहाज से पहले नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, When Humayun came to Sindh in 1541-42, Sindh was under regime of, तो हुमायूं ने 1541 से 1541 तक सिंध में आया, तो उस टाइम सिंध में मिर्जा शाह हसन की हुकूमत थी।
आर्गुन रूलर था ये, क्योंकि हुमायूं शेरशाह सूरी से हार चुका था, तो ये 1541 के अंदर ये सिंध में आ गया था, इसके बाद ईरान में चला गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, इब्ने बतूता विजिटेड सिंध इन, तो ये 1434 है। क्वेश्चन नंबर 48 है, फॉर हाउ मेनी ईयर सोमरू डायनेस्टी रूल्ड इन सिंध। सोमरू डायनेस्टी ने बहुत देर तक सिंध में रूल किया है, 402 ईयर है इसका टाइम पीरियड, 1035 AD से 1439 AD तक। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हेन डिड ब्रिटिश कन्क्वायर सिंध, तो ब्रिटिश ने बिलाकर 1843 में सिंध को फतह किया। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, लेट द मिलिट्री कंक्वेस्ट ऑफ सिंध एंड कंक्वायर्ड होल सिंध 1843। सिंध को मुकम्मल तौर पे 1843 में अंग्रेजों ने फतह किया था। इसका नाम जो लीड कर रहा था सर चार्ल्स जेम्स नेपियर था। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास, विच इज द सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल इन द वर्ल्ड, दुनिया का दूसरा खूबसूरत तीन कैपिटल कौन सा है, तो ये इस्लामाबाद है। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज नो डेजर्ट्स, तो पाकिस्तान का कौन सा सूबा है जिधर सहरा नहीं है, केपी के खैबर पख्तूनख्वा। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास, वेयर द कुनिंगम क्लॉक टावर इज सिचुएटेड, तो कुनिंगम क्लॉक टावर पेशावर में वाकया है, ये कुनिंगम उस टाइम का गवर्नर था, उसी नाम की वजह से पेशावर में कुनिंगम क्लॉक टावर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, अहमदी डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम इन 1974, तो अहमदी मिर्जाइयों को कहा जाता है, ये नॉन मुस्लिम है पाकिस्तानी कानून के तहत और इस्लाम में। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे पास, इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड बाय डैश इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, तो इब्राहिम लोदी को बाबर ने 1526 में शिकस्त दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास, APP न्यूज एजेंसी बिलोंग टू, तो ये पाकिस्तान से बिलोंग करती है ऐप न्यूज एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास, व्हेन डिड फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन सब कॉन्टिनेंट, सब बरसगीर के अंदर सबसे पहली जो मर्दमशुमारी हुई थी 1881 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास, विच वन इज द लार्जेस्ट कैनाल इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, ये नारा कनाल है। क्वेश्चन नंबर 59, द रेंज ऑफ इनहांस्ड वर्जन ऑफ बाबर क्रूज मिसाइल, तो इसकी जो रेंज इनहांस बढ़ाई गई है वो 700 माइल है। क्वेश्चन नंबर 60 है, हु बिल्ड चार मीनार, तो चार मीनार को सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने तमीर कराया था। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे पहले वायसराय कौन था, तो उसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 62, हु वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान हैंग टू डेथ, पाकिस्तान का पहले कौन सा वजीर आजम जिसे फांसी दी गई थी, तो इसका राइट आंसर है जुल्फिकार अली भुट्टो। क्वेश्चन नंबर 63, वर्किंग बाउंड्री इज बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड, तो वर्किंग बाउंड्री बॉर्डर किसके दरमियान है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास, विच सिटी इज कॉल्ड वैली ऑफ फ्लावर, कौन सी शहर को वैली ऑफ फ्लावर कहा जाता है, पेशावर को। क्वेश्चन नंबर 65, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, FM खान। क्वेश्चन नंबर 66, सलमान कोर्ट इज द ओल्ड नेम ऑफ, सलमान कोर्ट सियालकोट का पुराना नाम है। क्वेश्चन नंबर 67, डॉक्टर बेगम अशरफ अब्बासी फर्स्ट लेडी ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ पाकिस्तान बिलोंग टू लाड़काना। क्वेश्चन नंबर 68, द लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान टू डेट इज वसीम साजद, सबसे बड़े अरसे तक चेयरमैन ऑफ सेनेट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 69, नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इज समर, तो पाकिस्तान का नेशनल फ्रूट जो फल है समर का वो आम है। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पास, द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इन विंटर, तो विंटर का नेशनल फ्रूट गावा अमरूद है। क्वेश्चन नंबर 71, द डार्क ग्रीन फील्ड ऑफ द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंट, तो जो सबज कलर है
डार्क वो मुस्लिम मेजोरिटी को शो करता है। व्हाइट स्ट्रिप इन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंट मिनोरिटीज, तो व्हाइट कलर जो स्वेट कलर है वो अकलीतों को गार्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 73, द रीसेंट इन पाकिस्तान फ्लैग रिप्रेजेंट, तो जो सितारा है चांद है, चांद है वो प्रोग्रेस को शो करता है पाकिस्तान के अंदर जो है। 74 क्वेश्चन है, द स्टार इन द पाकिस्तानी फ्लैग रिप्रेजेंट, तो जो सितारा है वो लाइट एंड नॉलेज को शो करता है, चांद तरक्की को शो करता है और लाइट और नॉलेज को सितारा शो करता है पाकिस्तानी फ्लैग के अंदर। द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन, तो जो कौमी परचम है वो 1954 को ऑफिशियली तौर पे अडॉप्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76, अल हिलाल वीकली वाज स्टार्टेड, तो ये अब्दुल कलाम आजाद ने स्टार्ट किया था अल हिलाल। क्वेश्चन नंबर 77, द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिजाइंड बाय अमीरुद्दीन किदवाई, ने ये डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 78, एमएओ कॉलेज वाज प्रोवाइड एजुकेशन टू, तो एमए कॉलेज मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों को एजुकेशन प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 79, कांग्रेस इज मेनली हिंदू बॉडी विच कैन नेवर बी सिंसियर टू मुस्लिम, ये लफ्ज किसने कहे थे अल्फाज, तो ये सर सैयद अहमद खान ने कहे थे कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की एक बनाई हुई है, इसका मुसलमानों के साथ कोई सिंसियरिटी का काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, सर सैयद अहमद खान सेट हिमसेल्फ टू द टास्क प्रोटेक्टिंग विच लैंग्वेज, तो सर सैयद अहमद खान ने जो बनारस में जंग छिड़ी थी उर्दू हिंदी तनाज़ा की, तो वो उर्दू को प्रोटेक्ट करते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81, हु वाज इंट्रोड्यूस टू नेशन थ्योरी इन सब कॉन्टिनेंट, सबसे पहले दो कौमी नजरिया सर सैयद अहमद खान ने पेश किया था कि हिंदू और मुसलमान दो अलहदा कौमें हैं, ये कभी भी सिंसियर नहीं हो सकती मुसलमानों के साथ। क्वेश्चन नंबर 82, हु वाज अपॉइंटेड फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ट्रस्टी ऑफ अलीगढ़ कॉलेज, तो ये भी सर सैयद अहमद खान से पहले बोर्ड के ट्रस्टी अलीगढ़ कॉलेज के सेक्रेटरी। क्वेश्चन नंबर 83, सर सैयद अहमद खान रिसीव इज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम हिज, इन्होंने अर्ली एजुकेशन मेटरनल ग्रैंडफादर से हासिल की थी अपने दादा से। क्वेश्चन नंबर 84, विच मुस्लिम लीडर रिसीव टाइटल ऑफ नाइटहुड इन 1888, नाइटहुड का टाइटल किस मुसलमान लीडर को मिला था, तो ये सर सैयद अहमद खान को मिला था। क्वेश्चन नंबर 85, इन विच ईयर सर सैयद अहमद खान सेट अप स्कूल एट मुरादाबाद, मुरादाबाद में 1859 को इन्होंने स्कूल कैंप किया था। सर सैयद अहमद खान सेट अप साइंटिफिक सोसाइटी विच ट्रांसलेटेड द मॉडर्न वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू विच लैंग्वेज, तो ये उर्दू में मॉडर्न लैंग्वेज को ट्रांसलेट करती थी। क्वेश्चन नंबर 87, विच इज द हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान विद हाईएस्ट रिकॉर्ड टेम्परेचर 126 फारेनहाइट, तो ये जैकबाबाद में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया पाकिस्तान में 126 फारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 88, हु वाज ऑथर ऑफ द बुक जिन्ना इंडिया पार्टीशन, तो ये जसवंत सिंह ने लिखी है जिन्ना इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन। क्वेश्चन नंबर 89, डैश वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ सोमरिया डायनेस्टी, ये सिंध के अंदर थी सोमरा डायनेस्टी 1011 से 1026 ईस्वी तक, तो अल खैफी द फर्स्ट रूलर थे ये सोमरा डायनेस्टी के। क्वेश्चन नंबर 90, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर 9 रेलवे सिस्टम ऑपरेटिंग इन इंडिया, हाउ मैनी वर इन पाकिस्तान, 9 में से, तो 9 रेलवे सिस्टम थे इंडिया के अंदर टोटल, तो उनमें से पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मौजूदा पाकिस्तान के अंदर सिर्फ दो थे। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर कंपनी वॉज फर्स्ट टू ऑपरेट इन पाकिस्तान, तो ओरिएंट एयरवेज ने सबसे पहला पाकिस्तान में काम स्टार्ट किया था अपना। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस लाइसेंस वॉज कैंसल ड्यू टू एयर क्रैश इन 1949, तो पाकिस्तान एयरवेज एक कंपनी थी जिसका लाइसेंस कैंसिल हो गया था ड्यू टू एयर क्रैश इन 1949। क्वेश्चन नंबर 93, इन विच ईयर पीआईए वॉज स्टेब्लिश, तो पीआईए 1955 को स्टैब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 94, व्हेन पाकिस्तान इशूड इट्स फर्स्ट पोस्टल स्टैंप, तो पाकिस्तान ने अपनी पोस्टल एड्रेस स्टैंप 9 जुलाई 1948 को इशू की थी। क्वेश्चन नंबर 95, फ्रॉम 1947 टू 1974 पाकिस्तान रेलवे वाज नोन एज, तो 1947 से 1976 तक पाकिस्तान रेलवे
ये पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे कहलाती थी, क्योंकि पाकिस्तान वन यूनिट हो गया था ना, तो एक यूनिट बांग्लादेश और एक यूनिट पूरा पाकिस्तान मौजूदा, तो इसे वेस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 96, हु वाज द फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहले केयर टेकर वजीर आजम कौन था? गुलाम मुस्तफा जतोई। क्वेश्चन नंबर 97, पाकिस्तान सेलिब्रेटेड योम तकबीर, तो पाकिस्तान योम तकबीर 28 मई को मनाता है, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे चाली के अंदर 1998 में। क्वेश्चन नंबर 98, नेशनल रेप्टाइल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नेशनल कौमी रेप्टाइल कौन सा है? मगर, क्रोकोडाइल। क्वेश्चन नंबर 99, नेशनल वेजिटेबल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कौमी सब्जी कौन सी है? तो लेडी फिंगर, भिंडी तोरी उर्दू में कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 100, नेशनल प्रीडेटर ऑफ पाकिस्तान, तो स्नो लेपर्ड पाकिस्तान का कौमी प्रीडेटर है। तो हमारे पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।